शर्मिंदा का रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि अगर राजीव जी को पसंद नहीं तो बोला ना बोला, तो और आपकी पार्टी का दबदबा भी बोले चला नहीं था पहले, आप राष्ट्रीय आम पार्टी में थे जब। क्या बोला? बेवकूफ। मैं बेवकूफ हूँ ऐसा बोला उन्होंने? बोला और क्या बोला? पहले आप यानी राष्ट्रीय आम पार्टी में थे इलेक्शन के दब पे। हाँ हाँ मिर्ची चली नहीं, मिर्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या बोला? बस कि आपको अगर पता नहीं हो तो बोला ना करें। और क्या ना पता हो शर्लिन के बारे में? हाँ हाँ, सबको आगे कि ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन आपको कुछ मैटर नहीं पता तो मत बोलो। मुझे मैटर नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? देश की पूरी जनता को मैटर पता है। देखिए मैं बाबा एक वो लड़की और एक ही है। सो शर्लिन चोपड़ा, पहले मैं आपको बता दूँ, सडनली कई से मेनका से सडन थी और कामासूत्र कर करके सडनली आप बहुत ही सती सावित्री बन गई है और मेरे बारे में जजमेंट कर रही है। तो मैं भी सीता गीता मीता मीरा नहीं हूँ, मैं राखी सावंत हूँ। तुमने कहा और उन्होंने भी कहा ना, टांग अड़ाती रही है बीच में, तो बहन मैं टांग नहीं अड़ाती हूँ। जहाँ वक्त आता टांग अड़ाती भी हूँ और वक्त आने पर टांग तोड़ती भी हूँ। तो सुन लो बहन, आप जो हैं शर्लिन चोपड़ा, पिछले 15 सालों से पोर्न वीडियो कर रही है, एम आई राइट? देश की जनता, क्या आप यूट्यूब में जाके शर्लिन चोपड़ा न्यूड वीडियो आप टाइप करेंगे? कृपया करके टाइप कीजिए, फिर दूसरों पर टिप्पणी कीजिए, है ना? और आज सडनली इतने सालों के बाद आप ये कर रही है कि राखी सावंत आपको कुछ पता नहीं है। तो बहन अगर आपको देश की लड़कियों की चिंता थी तो आप इतनी न्यूड एकदम मजा लें कि तुम्हारे शरीर पे एक कपड़ा भी दिख जाए। हाँ जी, वीडियो देखिए। अगर आपको देश की लड़कियों की, देश की, देश की जनता की चिंता थी मेरी बहन शर्लिन चोपड़ा, तो आप ऐसे कदम नहीं उठाती। हिंदुस्तान में पॉन या फुल न्यूड होना बैन है, मोदी जी ने सब कुछ बैन करके रखा हुआ है। तो आप ये क्या कर रही थी यूट्यूब पे? हाँ बहन, एक औरत रेती सीमेंट उठा के बिल्डिंग बना के मेहनत करके रोटी खाती है, एक लड़की डांस करके मेहनत करके रोटी खाती है, बंद कर। और एक हर इंसान, हर हिंदुस्तान की हो जो लड़कियां हैं ना, मेहनत करके रोटी खाती है। आप समझ गई मैडम? आप थोड़ा उधर जाइए भाई, इधर मत चढ़िए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो आके कृपया करके आप भी एक अच्छी डांसर बन सकती हो, आप भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, आपने मेहनत क्यों नहीं की सीरियलों में, फिल्मों में? बिग शो, बिग बॉस शो में आपको मौका मिला था, आपने तो वहां पे कोई झंडे गाड़े नहीं। आपको इतना मौका दिया गया फिल्मों में, आपने तो कुछ किया नहीं। आपने पॉर्न वीडियो बनाई क्यों? आज मैं बैंक ऑनर हूँ, मेरे बैंक बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, चोरी का माल भी रखता है, ईमानदारी का माल भी रखता है। अगर आप लोग या कुछ अन्य लोग अपने वस्त्र ही नहीं उतारते या ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते, मैं राज कुंद्रा जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं राज कुंद्रा जी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सच्चाई में बात कर रही हूँ। ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी की रोटी मीठी होती है। और बात रही मेरे मिर्ची पार्टी की, तो वो पार्टी मेरी नहीं थी, मिर्ची पार्टी किसी और की थी। तुमने तो सिर्फ शरीर के कपड़े उतारे, मैंने सड़क बनाई है, रोड बनाया है, बीएमसी कमिश्नर को बाहर लाके सड़कें बनाई है, गटर बंद करवाई है, गरीब जनता के लिए काम किया है। और तुम सडनली मुझे ये कहते मेरा राजनीति में कोई काम नहीं बना। भाई मुझे तो राजनीति करनी भी नहीं थी, मुझे तो मेरे एरिया वालों ने कहा था कि इलेक्शन लड़ो, फिर भी 7 दिन में 2500 वोट आए बहन। अब मुझे पता है कि अभी तुम बहुत सीधी सादी बनकर, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, तुम सीधी सादी वस्त्र पे जो आज पहने तुमने, साड़ी सलवार कमीज, आई रिस्पेक्ट यू, तुम बनो, तुम ऐसे ही कपड़े पहनो। इसी को कहते हैं झांसी की रानी भारतीय नारी,
मैं कहती हूँ चुनाव लड़ो, बड़ी पार्टियों में जाओ, आज अगर तुम वो अपना जो प्रीवियस पेशा छोड़ के अगर आज अच्छे इंसान बनने चाहती हो तो हम सब आपके साथ हैं। अब अच्छे काम करो, मुझे मत बोलो कि मैं टांग अड़ाती। हर इंसान को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। सिर्फ तुमने शर्लिन चोपड़ा ठेका नहीं लेके रखा है कि सिर्फ तुम बोलोगी और देश की जनता मान लेगी। नो, समझ गए मेरी बहन? हाँ, तुम अभी अच्छा सलवार साड़ी कमीज पहनकर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहती हो, अच्छी बात है, आप करो, राजनीति करो, क्यों नहीं, हर इंसान को अधिकार है ना। तो और मेरी मिर्ची की पार्टी, तुम मुझे थोड़ा एजुकेशन बढ़ाओ, तुम्हारा एजुकेशन, इंग्लिश बोलने से इंसान क्वालिफाइड नहीं हो जाता। आप जाके चुनाव आयोग में जाओ, और कितने दिन पहले आपको मिर्ची का सिंबल मिलता है, 7 दिन पहले जब नई पार्टी होती है, तो नई पार्टी 7 दिन पहले आपको, नई पार्टी में राखी सावंत बॉलीवुड एक्ट्रेस, नई पार्टी और मिर्ची का आपको सिंबल मिला 7 दिन में भी। मैंने अच्छा काम करके बगैर नोट दिए वोट कमाए, वो भी 2500 ओरिजिनल, समझी। नई पार्टी में तुम जाओ, खुद की पार्टी बनाओ, देश भर में चुनाव लड़ो, और मेरे जितनी वोट तो लेकर आओ नोट खर्च किए बगैर, समझ रहे हो? तो मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राज कुंद्रा जी ने कोई गुनाह ही नहीं किया होगा, उनके लिए जज बैठे हैं, पुलिस बैठी है, वो अपना काम कार्य कर रही है। तुम जो जनता को भड़का रही हो, अच्छे अच्छे घर में लोगों को पता है कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है, कोई तमंचा रख के तुम्हारे घर से तुमको उठा के नहीं लेकर गया था, या दूसरों को कि चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल आके न्यू वीडियो करो हमारे साथ, तमंचा रख के कोई नहीं गया था। इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। तुम्हारे भी 15 साल से यूट्यूब में ऐसे गंदे वीडियो है, तब तुम भारतीय नारी क्यों नहीं बनी? तब तुमने क्यों नहीं सोचा, अरे भगवान, अगर मेरे देश के लड़के लड़कियां मेरे ऐसे पॉर्न वीडियो देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा, बच्चों बच्चों पर, हिंदुस्तान की जनता पर? लक्ष्मण रेखा, हर युग में लक्ष्मण जी राम जी, आपको याद है लक्ष्मण रेखाएं क्यों पर ऐसी दोहराई गई है? माता सीता को भी कहा था राम जी ने जब वो गए थे शिकार करने कि ये लक्ष्मण रेखा पार मत करना, लेकिन उनको एक हिरण दिख गया जो रावण हिरण का रूप धारण करके आया था, तो उन्होंने माता सीता ने वो क्या कहते लक्ष्मण रेखा पार करी और रावण जी ने उनका अपहरण किया। वैसे ही तुमने मेरी बहन लक्ष्मण रेखा आपने हिंदुस्तानी लड़कियों के क्यों पार करी, अगर आप वो पार ना करती और अभी आपको इतना प्रचार करने का इतना जरूरत नहीं पड़ती। हम भी लड़कियां हैं, हम ग्लैमरस कपड़े पहनती है लेकिन न्यूडिटी कभी नहीं करती, हम फैशन के साथ चलती है लेकिन न्यूडिटी कभी नहीं करती, बिकॉज आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, आई रिस्पेक्ट माई ऑल इंडियन गर्ल्स एंड माई इंडिया। जय हिंद।